सो हे गाइस, यहाँ से कुछ नज़ारा इस तरीके से है। पूरा का पूरा जयपुर यहाँ से दिखाई दे रहा है। यहाँ हम है नाहरगढ़ के किले में, जो कि जिसने पूरे के पूरे जयपुर को अरावली पर्वत के ऊपर बनाया हुआ है और पूरे जयपुर को घेरा हुआ है। और ये जो महल है, ये अरावली की पर्वत श्रृंखला के छोर पर है। आमेर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसको बनवाया गया था। और ये जिस भी राजा ने बनवाया है, उसका नाम है जयसिंह द्वितीय। और यहाँ पर एक मिथक भी है, और पता नहीं है कि नहीं, तो वहाँ की एक लोकप्रिय धारणा है कि वहाँ नाहर नाहर सिंह भोमिया के लिए, जिनकी आत्मा ने इस जगह को प्रेतवातित किया हुआ था, मतलब उनकी जो आत्मा थी वहाँ पे घूमती थी, जिसकी वजह से वो ये किला नहीं बनवा पा रहे थे या उस वो बाधा डाल रहे थे इस किले को बनवाने में, तो उनके लिए इस किले के अंदर एक मंदिर बनवाया गया उनकी आत्मा की शांति के लिए। इस वजह से इस किले का जो नाम है वो नाहरगढ़ किला रखा गया। तो अभी हम जिस एरिया में घूम रहे हैं वो माधवेंद्र भवन जयपुर की रानियों के लिए स्पेशली बनवाया गया था। और यहाँ पे राजा भी रहते थे बहुत सारे, 9 स्पेशली उनके लिए अलग से बनवाया गया था। और यहाँ की जो कमरे हैं, महल के जो कमरे हैं, वो गलियारों से जुड़े हुए हैं। और वहाँ कुछ अद्भुत और बहुत सुंदर सुंदर चित्र बनाए गए हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं। और नीचे से पूरा देखते हुए, यहाँ की सुंदरता को देखते हुए, अब हम जा रहे हैं छत पर, जो कि लोगों ने यहाँ पे कुछ गंदगी फैलाई हुई है। और आगे बढ़ते हैं और ऊपर से यहाँ कुछ ऐसा नज़ारा दिखाई देता है। ये एक तरीके से माना जाएगा कि सेकंड फ्लोर है, जैसे हमारे यहाँ पे फ्लोर्स होते हैं, तो ये एक सेकंड और फ्लोर है। स्टेयर्स आ उसके गई बाद हैं फिर से सीढ़ियाँ हैं छोटी छोटी छोटी, और फिर हम ऊपर जा रहे हैं। और अब हम जा रहे हैं छत पर, मेन छत पर, और वहाँ से पूरा का पूरा हम जयपुर देखेंगे। और बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे हैं वहाँ पर। आप भी मेरे साथ एंजॉय करिए इन नज़ारों को। ये देखिए महल के ऊपर से व्यू। और ये अमन कैमरे में वीडियो शूट करता हुआ। और यहाँ पर मैं एक छोटी सी प्यारी सी वीडियो शूट करती हुई अपने भाई और अपने हस्बैंड के साथ, जो कि मुझे बहुत मज़ा आया। कुछ ऐसे नज़ारा, सुंदर सुंदर जगह सब। ये लोग कर रहे हैं अपना फोटो शूट। अभी थोड़ा सा घूमेंगे, थोड़ा सा जरा इस जगह को एक्सप्लोर कर लें, उसके बाद आपसे मिलते हैं। जब तक मैं शॉर्ट्स डाल देती हूँ। तो छत हमने कर ली है अच्छे से एक्सप्लोर, पूरा घूम लिया। अब हम जा रहे हैं नीचे। छोटी छोटी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, मेरे पैर से भी छोटी है। तो अंदर भी तो खिंचवाएंगे फोटो, कुछ फोटो वोटो खिंचवा लें जरा। ये है जवाहर प्रकाश का घर,
ये है ललित प्रकाश का घर और ये है लक्ष्मी प्रकाश का घर। हाँ, जवाहर प्रकाश का बोल दिया। यहाँ पे सबके अलग अलग घर बने हुए हैं, महल के अंदर अलग अलग घर। एक महल में ये इनके सबके भाई होते होंगे। ये है पानंद प्रकाश का घर, ये है खुशहाल प्रकाश का घर। और ये है ये चांद प्रकाश का घर, ये सूरज प्रकाश का घर है। सब लोगों के अलग अलग घर बने हुए हैं, सब इन राजाओं के भाई बहन होंगे कुछ। अब हम यहाँ से निकल चुके हैं। तो को भी सलामी भी दी जाती है। ये तो बाय और प्रकाश, मैं सच्ची कोई और मैं सॉरी मैं सॉरी बोलने वाली थी, मैंने कहा वो ये तो अपना ही है। नहीं, पहले मुझे लगा कि किसी और के हाथ लग गया, मैं सॉरी बोलने वाली थी, मैंने अच्छा ये है चलना। तब हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं। आगे कहाँ जा रहे हैं? वापसी। ओके, अब हम जा रहे हैं वापसी किसी दूसरे राजा के महल, मिलते हैं आपसे वहां पर। हर पल दुनिया देने कायदा कुछ खाने के लिए भी छोड़ दे। तो वो पूरी मूवी इसके पीछे ही बना रखी है भाई। अब हमने ले लिए स्प्राउट्स की चाट, कुछ ड्रिंक्स पीने के लिए, और ये ऐसी गलत अफवाह ना फैलाई जाए मेरी वीडियो में, ओनली पेप्सी एंड जी। ये सब मजाक कर रहे हैं, प्लीज गाइस अवॉइड। और भेलपूरी भी जो कि अमन के हाथ में, हम ड्रिंक्स नहीं करते। लड़की तेरा है कपिल? ओह वो बहुत तगड़ी वीडियो। तो हम जरा पहुंच रहे अपनी गाड़ी की तरफ, फिर जाते हैं कहीं और, मिलते हैं आपसे। काज ना पे हे, मैं हूँ, ये पेप्सी है, ये कपिल है, ये अमन है, ये आकाश है, और यहाँ हमारी पहाड़ी। और यार क्या हो रही है कपिल, क्या हो रही है? पहाड़ी हो रही है। अब जरा हम थोड़ा सा अपना कुछ खा पी ले, बहुत देर हो गई है, भूख के मारे मरे जा रहे हैं, भी शांति मिलेगी। कैसा आपका जीरा सोडा? जीरा सोडा की तरह देना एक घूट मेरी पेप्सी में बांध दे, फिर टेस्ट करूंगी। ये है जीरा सोडा, मैं टेस्ट कर लूं। मतलब पेप्सी